हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम क्या होती है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ। आज मैं सिर्फ ट्विन्स के बारे में बात करूँगी। जुड़वा बच्चे, आप लोगों ने बहुत सारे जुड़वा बच्चों को अपनी लाइफ में देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, उनकी लाइफ कैसी होती है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने जो रिसर्च वर्क किया जुड़वा बच्चों के ऊपर, और मैंने जिन लोगों को जुड़वा रूप में देखा है उनके एक्सपीरियंसेस जब मैंने पूछे और मैंने उसको देखा कि क्या होता है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को अपना वीडियो देने जा रही हूँ। सबसे पहले ये जानिए कि जुड़वा बच्चे होने का राज क्या है। आप लोगों को ही पता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम जब एक दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तब जुड़वा बच्चों का होना निश्चित हो जाता है। और ये जुड़वा बच्चे कई तरह से अलग अलग रूप में या एक ही रूप में उनका क्रियाएं, उनकी शारीरिक क्रियाएं, उनकी शारीरिक बनावट या उनके मेंटल हेल्थ कई तरीके से जुड़े रहते हैं। आपने कई जुड़वा बच्चों को भी ऐसा देखा होगा जो कि मस्तिष्क जिनका जुड़ा है, चेस्ट जिनके जुड़े हुए हैं, और ऑपरेशन के बाद उन्हें अलग किया गया है, लेकिन उसे बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है कि एक जिंदा बचता है और एक ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, यानी एक की मृत्यु हो जाती है और एक जिंदा बच जाता है। लेकिन मैं उनकी नहीं बल्कि उन जुड़वा बच्चों की बात कर रही हूँ जिनमें दो सोल्स और दो बॉडी होते हैं लेकिन जो हम शक्ल होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम शक्ल नहीं भी होते हैं, यानी उनमें थोड़ी सी भिन्नता भी होती है। शारीरिक बनावट भले ही कद काठी एक हो लेकिन शक्ल से वो थोड़े अलग भी होते हैं और जेंडर भी हो सकता है उनका चेंज हो। यानी जुड़वा बच्चों में सबसे पहला पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि ट्विन फ्लेम की तरह एक ही सोल्स नहीं होता है, वो दो फिजिकल बॉडी में दो सोल्स जन्म लेते हैं। उनके हाथों की रेखाएँ, जुड़वा बच्चों की हाथों की रेखाएँ डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। दोनों की हाथों की रेखाएं, फिंगर प्रिंट्स एक नहीं होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उनका डीएनए करीब करीब एक जैसा होता है। ये डीएनए टेस्ट में पाया गया है, मैंने रिसर्च वर्क इस पर किया है कि उनका डीएनए एकदम एक जैसा होता है। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है बट ऑलमोस्ट सेम होता है। अब जुड़वा बच्चे जेंडर से अलग भी होते हैं, यानी एक लड़का और एक लड़की भी जुड़वा होते हैं, दो भाई भी जुड़वा हो सकते हैं, दो बहनें भी जुड़वा हो सकती हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा ही देखा है। और उन लोगों से बातें करने के पश्चात मैंने जो समझा वो आप लोगों को बतला रही हूँ। एक पेयर ऐसा था, एक जुड़वा बच्चों का पेयर ऐसा था जो आपस में दो बहनें थीं। उन बहनों ने बताया कि उनकी लाइफ में वो टेलीपैथी के जरिए, यानी उनका माइंड टू माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। भले ही वो दोनों अलग अलग जगहों पर रहकर एजुकेशन ले रही हूँ लेकिन उनका 24/7 जो एक्टिविटीज़ वो करती हैं, जब उन्होंने एक दूसरे को कांटेक्ट किया तो ये पाया कि दोनों ही एक समय में एक ही एक्टिविटी को अलग अलग जगहों पर रहकर भी अंजाम देती हैं। यानी माइंड टू माइंड उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। भले दो आत्माएं, दो फिजिकल बॉडी एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही, दोनों अलग जगहों पर हैं, लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया तब ऐसा लगा कि जिस समय एक जो काम कर रही है दूसरे ने भी उसी समय उसी काम को अंजाम दिया। अगर एक को दर्द हुआ तो दूसरे को भी उसी समय उसी वक्त पर उसी जगह पर दर्द हुआ। ये तो हुई एक जुड़वा बच्चों की बात, एक एग्जाम्पल मैंने दिया। जब दूसरा एग्जाम्पल मेरे सामने आया उसमें उन लोगों ने नकार दिया कि ऐसा नहीं है कि अगर एक को पेन हो रहा है तो दूसरा भी उसी पेन को महसूस करे, या एक को जिस फील्ड में जाना है, जैसे एजुकेशन एक को बहुत प्यारा है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बिजी है, लेकिन उसका जो ट्विन है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि रखता है या रखती है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों की चॉइसेस सेम हो, हो सकता है दोनों की थिंकिंग भी अलग हो, लेकिन दोनों में एक अट्रैक्शन होता है, ये सही है। लेकिन दोनों का बिहेवियर भी अलग है, एक का बिहेवियर गुस्से वाला है और एक का बिहेवियर बिल्कुल शांत है।
दोनों की हैबिट्स में भी मैंने डिफरेंस देखे। तो ऐसा भी होता है कि हमेशा जुड़वा बच्चे कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मेंटली कनेक्टेड हों या सोल वाइज कनेक्टेड हों या स्पिरिचुअली कनेक्टेड हों, ऐसा नहीं होता है। ये सेकंड एग्जांपल मैंने देखा। और थर्ड एग्जांपल मैंने देखा कि वो जुड़वा बच्चे जो हैं हम शक्ल नहीं हैं, यानी थोड़ी सी उनमें जो बनावट में भिन्नता है। एक मैंने देखा जो लोगों ने कहा कि वो दो लड़कियां बिल्कुल आपस में सेम टू सेम हैं, यानी माँ को भी बाप को भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं, उनकी जब मम्मी से पूछा पापा से पूछा, तो उन लोगों ने कहा हमारे बच्चे, हम लोग भी कभी कभी अगर ये दोनों एक साथ सामने आ जाते हैं और एक ही एक्ट को करते रहते हैं तो हम लोगों को भी कभी कभी कन्फ्यूजन होने लगता है, इस कदर वो दोनों सेम हैं। जब दूसरे को जुड़वा को मैंने देखा, वो उनका रूप, उनकी हाइट एक, दोनों की हेल्थ भी एक, यानी दोनों ही स्लिम ट्रिम, लेकिन उनकी जो बनावट थी, उनका हेयर स्टाइल वो थोड़ा सा अलग था। और तीसरा मैंने देखा एक लड़का और एक लड़की, तो डेफिनेटली उनकी बनावट भी अलग होगी, लेकिन वो लोग भी जुड़वा थे, यानी 10 मिनट का उनका अंतर था और 10 मिनट के अंतर में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन वो भी जुड़वा ही थे। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि उनकी सोल एक नहीं होती है, उनकी दो सोल होती है, दो फिजिकल बॉडी में होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपस में एक दूसरे की पेन को वो महसूस करे, और एक जो एक एक्टिविटी कर रहा है दूसरा भी वही एक्टिविटी करे, या माइंड टू माइंड उनका कनेक्शन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई केसेस में ऐसे होते हैं कि माइंड टू माइंड कनेक्शन यानी टेलीपैथी के जरिए वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और एक दूसरे का कनेक्शन, एक दूसरे की इतनी क्लोज बॉन्डिंग रहती है कि अगर एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा भी कुछ सालों में मर जाता है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि एक ट्विन की अगर मृत्यु हो जाती तो दूसरा ट्विन भी मर जाएगा। मैंने ऐसे भी देखा है कि एक ट्विन की मृत्यु हुई है लेकिन दूसरा ट्विन करीब 15 सालों तक जिंदा था, 15 साल के बाद उसकी मृत्यु हुई। तो मैंने ये भी एग्जाम्पल देखा है। तो हो सकता है आपकी फैमिली में, एक और ज़रूरी बात, ट्विन्स अक्सर उसी फैमिली में होते हैं जिसकी फैमिली में ये हिस्ट्री रहती है, यानी माँ बाप की तरफ से कहीं, या तो मम्मी पापा की तरफ से ट्विन्स हो, मम्मी लोग ट्विन्स हो, सिस्टर्स पापा लोग ट्विन्स, ब्रदर हो, तो उनकी फैमिली में उनके एंसेस्टर कोई ट्विन्स रहे हों, ऐसे ही फैमिली में अक्सर ट्विन्स होते चले जाते हैं। ऐसा मैंने अपने रिसर्च में पाया है, ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा अक्सर होता है। तो ट्विन्स स्पिरिचुअली या मेंटली कनेक्टेड हो नॉट नेसेसरी, उनकी बनावट बिल्कुल ही एक जैसी हो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी केसेस में एक जैसी होती है। तो जुड़वा बच्चों का ये वीडियो मैंने आप लोगों को दिया जो ट्विन फ्लेम से बिल्कुल अलग है। ट्विन फ्लेम एक ही सोल दो बॉडी, लेकिन ट्विन्स में दो सोल और दो बॉडी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।